हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। फिलहाल मैं आपको अपने बच्चे से मिलाता हूं। मेरा जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका, और कब बड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मतलब घर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और अभी देखो तो हमारा बच्चा बड़ा होके अब तेरे नाम का सैल्मन बॉय लग रहा है। तो अभी सही लग रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि ये बच्चा शायद बड़ा नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन इतना बड़ा हो चुका तो मुझे लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे और बड़ा हो गए। बस मुझे एक काम करना है कि अपने फ्रिज में ना खाना रखना है जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। फ्रिज हमारा फुल है और हमारी जो वाइफ है उसका मोरल भी अप है, इतना नहीं है लेकिन हम इससे ज्यादा बच्चे हो नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाए तब हम लोग और बच्चे पैदा कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको भी जॉब पर भेज सकता हूँ क्योंकि इसका मोरल है 100%, क्योंकि बच्चा है तो मतलब उसको मतलब खुश है बहुत वो। लेकिन नहीं, अभी मैं उसको ऐसे जॉब पर नहीं भेजने वाला क्योंकि अब मैं बहुत पैसा कमाने लग गया हूँ। और हाँ, आज हम लोग अपने कैफे में बहुत कुछ काम करने वाले हैं। और मैं बहुत टाइम से ना मतलब इसमें काम कर रहा था, मैंने कुछ और माइनिंग रिग बाई की थी तो अभी के लिए मेरे पास ये वाला जो माइनर 2 वाला था वो भी मैंने एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद से ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला है, इसके बाद से हम लोग बहुत ज़्यादा माइनिंग रिग बाई कर पाएंगे। तो अभी जितना है वो मेरे को लगता है कि इनफ है कि यहाँ पे हो वो कुछ काम दे रहा है क्या मुझे। ओके, मैन आई फिनिश द डिज़ाइन ऑफ द डिवाइस। ओके, जो डिवाइस इसने दी थी, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो लेदर जैकेट वाला बंदा था वो मुझे मिल गया था। कुछ टाइम पे कुछ ग्लिच हो रहा था, वो नहीं था लेकिन कुछ और कोई और था तो वो मुझे मिल गया था, मैंने उसको मार दिया था। तो उसने मेरे को $1,000 पे किए थे शायद। बट द पावर रिएक्टर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई नीड $25,000। इफ़ यू कैन फाइंड द मनी आई विल हैव फिनिश द डिवाइस टुमारो। ओके, $25,000 ये मुझसे मांग रहा है, मतलब ये आप समझ रहे हो $25,000 कितने होते हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे किसी की हेल्प करी है $1,500 से करी है, और वो करी है मैंने बैगर की। तो ये मुझे मांग रहा है कि इसी बंदे की, इसी का दोस्त है, $25,000। लेकिन देखो, अगर मैं इसको पे करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये हमको बहुत अच्छा इसके बदले में पैसा देने वाला है। तो अभी मैंने इसको मतलब इतना हेल्प करी दी है, इस बेचारे को और कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ से इसको $25,000 मेरे पास है नहीं $25,000, मैं करूँगा हेल्प कर। ओ एक सेकेंड, अबे यार ये क्या हो रखा है। तो हमारे पास जितना भी सारा सामान था, कोई आया बंदा और ब्लास्ट करके चला गया। इसकी गन में क्या जंग लग गया था, मतलब क्या हो गया था ऐसा कि मार नहीं पाया और ये भी कुछ नहीं कर पाया। और वो बंदा नीले कपड़ों वाला आके यहाँ पर ब्लास्ट हो गया और मेरे का पूरा यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके चला गया। ख़त्म तो नहीं लेकिन हाँ यार, ये चीज़ सही नहीं यार। मैंने बहुत सारे माइनिंग रिग बाई किए हुए थे और बहुत कुछ मैंने सही किया था, और ये तो खैर किसी काम की है ही नहीं, इसको खाने देने के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम लोग उस बंदे की हेल्प करते हैं, आज का मेन गोल वही होने वाला। और बिल 150-200 पुलिस पेनल्टी। अब यार कितने पैसे मेरे पे ठोक दे रहे हैं, कुछ भी उठा के मेरे पे बिल ठोक दे रहे कि इतना पे करना है। तो अभी क्रिप्टो थोड़ा सा 2% से नीचे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं $2 हो चुके हैं मेरे पास, दो बिटकॉइन हो चुके हैं, सॉरी $2 कह रहा हूँ मैं, 3 भी हो जाएंगे बहुत जल्द। तो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए ना, मैं अगर हम 0.5 करें तो, अरे 2 हो जा रहे हैं, तो एक मेरे को सेल करना है, मेरे को एक बिटकॉइन सेल करना है। चलो अभी के लिए 83,000 है, नहीं एक बिटकॉइन से ऐसे इतने कैसे मिल गए, मैंने सारे बेच दिए क्या, मैंने कितना अमाउंट डाला यहाँ पे, मैंने 2। अबे मैं क्या कर देता हूँ, उल्टी सीधी चीज़ है। तो हमारे पास $83,000 हो चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज में उसको लगा दूंगा, मैं बिटकॉइन को दोबारा से बाई कर लूँगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन लोगों को तो छोड़ो, पहले होबो की हेल्प करते हैं। इसको $25,000 मैंने पे कर दिए। अब देख, मैंने तेरे पर भरोसा किया, मेरे को मेरा काम हो जाना चाहिए बस, मतलब मेरा काम क्या है, तेरा काम हो जाना चाहिए। इसको तो ना कोई खुशी हो रही कि इसका काम हो गया, $25,000 मैंने इसको पे कर दिए। चलो देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी फ़िलहाल ना मुझे एक काम करना है, मुझे सबसे पहले ये सारे के सारे सिस्टम मैं आज बेचने वाला हूँ। मेरे पास पैसे हैं $58,000 अभी भी, ठीक है। और पीछे आपको दिख रहा होगा चीकू वहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठा हुआ था, परेशान कर रहा था, मैंने उसको ऊपर बैठा दिया और कैस्पर को यहाँ से भगा दिया क्योंकि वो ना कुछ ना कुछ काटते रहता, तो मेरे को पसंद नहीं हुआ। तो फटाफट इसको सेल कर दो, सेल। ओके सेल, सारा कुछ सेल कर दिया इसको। अभी $58,000 थे ना, 61 हो गए, तो 2,000 के अराउंड के इसको बेच दिया हमने चीज़ें, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें मैं बेच के आ रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले ऑटोमेटिक डोर लगाना है, वैसे ऑटोमेटिक डोर का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बट फिर भी हम लोग लगाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा हम अमीर दिखेंगे और खर्चने को पैसा है हमारे पास बहुत सारा। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी अपना फ्लोर बाई करते हैं, ठीक है। हम लोग माई कैफ़े
अपग्रेड और इसके बाद अपस्टेयर बाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो चुकी है। आइटम में देख लेता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हॉट डॉग कार्ट, स्पीकर भी बाई कर लेते हैं। ओल्ड स्पीकर बाई करने की जरूरत नहीं है। टिप बॉक्स, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, ये वाला बाई करते हैं ना। 5.1 प्रीमियम वाला भी है, ओके प्रीमियम वाला भी है, प्रीमियम वाला बाई करते हैं, चलो कोई बात नहीं। एयर फ्रेशनर तो मुझे अब कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ, सारा हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक हो चुका है, यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है। कलरिंग में वॉल तो पेंट करने की ज़रूरत है क्या, मतलब कौन सा पेंट करना चाहिए मुझे वॉल में? मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक बार ये करके देखूँ 700 का, उसके बाद फ्लोर में एक बार देखता हूँ कि कोई फ्लोर लगाने का, तो हम लोग फ्लोर लगाते हैं 200 सारे 200 के हैं, ये वाला लगा लेते हैं। LEDs, ओके LEDs बाई करते हैं थोड़े से। तो मुझे ये कलर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक सेकंड, बाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओपन क्लोज LED सिस्टम, एक सेकंड, LED, ओके पहले बाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो $1000 में LED बाई कर ली मैंने, एक ये बाई कर ली, ऑरेंज और येलो। एक काम करते हैं सारे के सारे बाई, नहीं, ऑरेंज, ओके ठीक है मेन PC ऑलरेडी अपडेटेड है, ये सारा कुछ हो चुका है, तो ठीक है अब यहाँ से एक बार हटते हैं। अब यार LED अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं। ओके तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, एक ही ले सकता हूँ, यहाँ से क्या जा रहा है, ओके तो मैं एक ही कलर बाई कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के LED नहीं लगा सकता। तो ऑरेंज तो ऑलरेडी है, उसके बाद से ऑरेंज LED ना अच्छी नहीं लग रही, तो मैं वो दूसरी वाली लेता हूँ, ठीक है, स्काई ब्लू वाली जो थी वो वाली LED में लगाता हूँ यहाँ पे, चलो ओके अब जाके ठीक लग रहा है। अब तो एक काम करते हैं, माइनिंग रिग को मैं रखता हूँ ऊपर, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि माइनिंग रिग ऊपर रखना सही है, ऊपर कैफे वाला सिस्टम रखते हैं पूरा का पूरा, नीचे माइनिंग रिग रखता हूँ इस बार। ओके ठीक है तो हम सबसे पहले सिस्टम बाई करता हूँ कुछ, और कुछ आर्केड मशीन, तो फटाफट से ना सारा कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद से हम लोग आज अपना ये पूरा का पूरा इंटरनेट कैफे अपग्रेड करने वाले। उससे पहले एक बार मैं होवो का स्टेटस अपडेट देख, नहीं स्टेटस अपडेट तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक बार घर सोने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं सोने के लिए जाऊंगा ना तब जाके वो जो होबो था वो उसका काम निपट जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रखा है हमको। ओके तो हम आ चुके हैं अपने घर में, और मेरी वाइफ भी यहीं पर, मेरा बच्चा तो बड़ा अभी तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। एक सेकंड, खाना नहीं है क्या फ्रिज में? है, सब कुछ है, चलो एक बार सो जाते हैं, कल इसका मोरल भी अप हो जाएगा, तो शायद दोबारा से हमारा कोई एक और बच्चा हो जाए, या फिर ये वाला बच्चा बड़ा होगा, लेकिन मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा नहीं है, एकदम से झटके से बड़ा हुआ, कब हुआ मतलब मैं घर पर था नहीं उस टाइम पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है एक बार। ओके मेक चाइल्ड, नहीं इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, जॉब पर तो मैं भेज नहीं रहा इन दोनों को, तो इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि जॉब पर भेज के $50 से $100 कमा के लेके आ रहे हैं, कुछ फ़ायदा है नहीं उसका। ये बंदा बहुत बेकार है यार, इसने सारा कुछ मेरा सिस्टम, ओके हो गया, कुछ अपडेट तो है इसके पास। आई हैव फाइनली कम्प्लीटेड द डिवाइस, आई विल गिव इट टू यू टू ट्राई, बी केयरफुल, इट्स अ वेरी डेंजरस वेपन। ओके तो ये देखने में ना तो कुछ, पहले तुम चेक कर लो यार, उसके बाद मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो मैं ये डिवाइस ले रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वेपन है कुछ, एक सेकेंड मैं किस में फायर करूँ इससे, ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये बंदा एकदम गया, अबे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये चीज, ओके ट्राई करने को दिया है ना उसने, उसका काम होगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार बेवकूफ बन गया मैं तो, ये इसने ऐसी करंट वाली डिवाइस दे दी मेरे को $25,000 में, मतलब मेरा तो अच्छा खासा चल रहा था, इनको मार के मुझे फायदा क्या है, लेकिन नहीं ये मैं उसको लौटा दूंगा शायद ना। अबे खतरनाक बना रखी, लेकिन उसने ये तो मुझे लग रहा है कि पूरा उसने स्कूटर का, ये बाइक का इंजन ले लिया, पता नहीं क्या कर दिया। अरे यार हो वो इसको ले लेना, मेरे को नहीं चाहिए, एक सेकंड इसको ले क्यों नहीं रहा, अब मेरे को लग रहा है एक बार सोने जाना पड़ेगा, तब जाके अपडेट होगा। चलो बहुत खेल लिया इससे, इसको अभी के लिए रखो, मैं होबो को लौटा दूंगा बाद में, और यहाँ पे भी सही चल रहा है सब कुछ, कमाया क्या, कुछ नहीं कमाया, चलो कोई बात नहीं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले माइनिंग रिग को, लास्ट टाइम पे आप लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ करो, तो इस बार मैं वो आइडिया एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अपने माइनिंग रिग्स को रखने वाला हूँ यहाँ पर, ऐसे तो नहीं रख सकता, ऐसे मैं रखने वाला हूँ। ओके तो मैंने ना यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा सामान जो मैं कैफे में रख सकता हूँ, लैम्प से लेके पेंटिंग से लेके सिस्टम आर्केड मशीन सारा कुछ ऑर्डर कर लिया है। 64 आइटम मेरे
मेरे पास है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काम मुझे करना पड़ेगा, शायद मुझे सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और अपने क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 6,000 डॉलर के अराउंड कम पड़ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मेरे पास कितना है पर सेल ऑल कर देते हैं, 69 हो चुके हैं अब आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ पहली बार। 67,000 का ऑर्डर है मेरे पास, मेरे को देखना है कि बाहर क्या होने वाला है। और अभी हमारा कैफ़े तो ऑन है, कैफ़े चल रहा है हमारा, लेकिन ज़्यादा कुछ है यहाँ पर नहीं है। लाइट भी ख़त्म हो रखी है, मैंने लाइट इस बार सीलिंग वाले मंगा रखी है तो वो चलेगी अपनी। और अभी मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ नहीं रहे तो मेरे पास ये सब सिस्टम हो नहीं रखा है। ओके, मुझे एक काम करना था, मुझे सबसे पहले ना ये भी बेच के आनी है, ये सारा सामान मुझे बेच के आना है। $0 ओके, इसको बेच भी नहीं सकता मैं, सही है। वेव गन है, ओके ठीक है, वेव गन तो समझ चुका था, लेकिन काम क्या है मुझे, क्या मतलब मेरे मतलब की नहीं है, होबो के काम आ सकते शायद, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो पंचिंग काम है इन लोगों के लिए। तो अभी सबसे पहले घर चलते हैं, सो के आते हैं, शायद अगले दिन सो के उठेंगे तो होबो के पास कुछ अपडेट होगा और उसके बाद से देखते हैं कि क्या हो उसका सिस्टम, जो भी बाय किया हमने $25,000 का क्या कुछ फ़ायदे का है वो, मतलब दोबारा मैं उसके साथ डील नहीं करूँगा। फिर पुलिस वाले को मार सकते, पुलिस वाले को मारने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन इस पर तो काम कर ही नहीं रहे वो। यार ये रख लेना 25,000 की गन अपनी, अभी फ़िलहाल खाना खा लेते हैं। वो बना ने मेरे को सही चूना लगा दिया लग रहा, 25,000 के चक्कर में इसने, अब यार मतलब मुझे पता नहीं क्यों स्कैम सा लग रहा है, इसने क्या करा, इसने बोला कि बहुत खतरनाक कुछ मिशन करने वाला जिससे, अबे ये क्या हो रखा है यहाँ पे, एक सेकंड तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे मत जाओ यार, एक सेकंड यहाँ पे पूरा कचरा ऐसे फेंक के चले गए पुराना सामान जैसे समझ के। चलो अब ये एक काम करना है, एक एक करके मुझे ये सारा का सारा सामान लगाना है ऊपर। ये क्या चीज़ है, ओके लैम्प है, और अब जाके मेरा कैफे किधर चला गया, ओके यहाँ पर हमारा कैफे। तो फटाफट से ना एक काम करता हूँ, सारा का सारा यहाँ पर सामान लगा देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आराम से काम करेंगे। तो ये लास्ट वाला मेरा VR सेटअप यहाँ पर तैयार हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर मेरा सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरे पास 3 VR सिस्टम है, 2 मेरे पास ये कॉन्सोल है, ओके। तो यहाँ पर मेरा ये सब सिस्टम, वो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये सारा सिस्टम मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ आर्केड मशीन्स रखी हैं जो मुझे दिखने में अच्छी लग रही थी, मैंने वही रखा है, और कुछ मैंने लाइट्स लगाई हैं, कुछ AC वगैरह लगा दिए जो अभी तो ज़रूरत होगी नहीं। ऊपर ये रूम अभी खाली है, इसमें अभी बहुत कुछ करना है तो ज़्यादा मैं, ओके मेरे पास ये अभी एक्स्ट्रा है क्या, इनको बेच देता हूँ मैं। पहले मैंने ये वाले मंगा दिए थे जो रेड और ब्लैक कलर के थे, उसके बाद से मुझे पता चला कि येलो कलर के हैं और वो और बेटर हैं तो मैंने वो ऑर्डर कर दिए। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे कंप्यूटर मैंने रखे हुए हैं, वाइट टेबल उतने अच्छी तो नहीं लग रहे थे लेकिन सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो रहा था, इस चक्कर में मैंने वाइट टेबल यहाँ पर ले ली। AC लगाया हुआ है जो मुझे लग रहा है कि सेंटर में नहीं है, तो इसको लगाते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एक बार सो जाते हैं, उसके बाद मुझे देखना है कि क्या है, एक बार इन पर भी चला के देखता हूँ अपने बीवी बच्चों पर कुछ होता है इससे। कुछ नहीं हो रहा, मतलब हर किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसको वो चाहते हैं उसी को हो रहा है। तो इसको खाना रख देते हैं वापस से, और नहीं ये नहीं, इसका मोरल भी 100% हो चुका है पहली बार। ओके तो अभी चलते हैं वापस नीचे, बस होबो ही अपनी अजीबोगरीब जो चीज़ उसने बना रखी थी ना, जो उसने मेरे को टेस्ट करने के लिए दी थी, बट ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पड़ गई क्योंकि ले नहीं रहा उसको वापस, उसने ये मेरे साथ, अभी इसको ले ले कि कब लेगा, शिट ट्राई करने को देती, लेकिन मेरा इसको चलाने का मन भी नहीं कर रहा, ना ही मुझे कोई फायदा है। $25,000 में ये इसने मेरे को कचरा पकड़ा है, इसने बोला कि इसको चाहिए ट्राई करने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इससे पैसे मांग भी नहीं सकता क्योंकि इसने चीज़ बना के मेरे को ही बेच दी वो $25,000 में। अब कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इसको छोड़ो अभी, और कैफ़े अपना अच्छा लगने लगा है, सब कुछ सही हो चुका है यहाँ पे, आप कैफ़े में चला नहीं सकते। धीरे धीरे कैफ़े की रौनक भी बढ़ रही है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिख रही है और ऊपर है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैफ़े वगैरह, अभी बहुत कुछ है। इस बार ये जो माइनिंग रिग मैंने यहाँ रखे ना, इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा स्पेस बहुत बच चुका है, अभी मैं और माइनिंग रिग बाय कर सकता हूँ, इसको देखते हैं बाद में, शायद हो वो ले ले, बाकी अगर नहीं लेगा तो कुछ कर नहीं सकते। तो आज का एपिसोड अब कर लेते हैं यहीं पर एंड, अच्छा खासा पैसा खर्च भी कर दिया उसके बाद भी अभी बहुत पैसा बचा हुआ है, तो आज का एपिसोड कर लेते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।